ये जो कंपनी है ये बहुत ही बड़ा ब्रांड है। जी हाँ, मैं आपको अगर दिखा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ऊपर में देखिए यहाँ पे मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन मार्शल गार्ड का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, जो कि कोलकाता लोकेशंस में होने वाला है, परमानेंट बेसिस जॉब्स है। दिस इज ए बिग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड फॉर यू। एंड अगेन कि अगर आप इसमें एजुकेशंस भी नहीं डिमांड किया गया, एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लीकेबल फॉर दिस पोजीशंस राइट नाउ। मैं कहता हूं कि अगर एक अनएजुकेटेड पर्सन को भी अगर मेट्रो में प्रोजेक्ट में काम मिल जाए कोलकाता लोकेशंस में, इससे बड़ा प्लस पॉइंटेड हम कह भी नहीं सकते। अगेन कि जो भी इंफॉर्मेशन है ऑथेंटिक है, हम आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को प्रॉपरली पूरा देखें, ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पूरा मिल पाए। जब आप वीडियोस पूरा देखोगे डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन पूरा मिल पाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके साथ में शेयरिंग भी करते हैं। देखिए ये जो कंपनी है, ये कंपनी मेट्रो का प्रोजेक्ट है, मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन मार्शल गार्ड जॉब्स। देन कि इसमें 12 आवर्स की शिफ्टिंग है। आपको भी पता है कि ज्यादातर कंपनी में अभी जो रिक्वायरमेंट चल रहे हैं उसमें 12 आवर्स की शिफ्टिंग ही चल रहा है, बिकॉज इससे अप डाउन होता है। वेयर हाउस में 9 घंटे की चलती है, कभी कभी 8 घंटे वाला भी जॉब आता है, लेकिन अभी ज्यादातर जो रहे हैं 12 आवर्स की शिफ्टिंग ही आ रही है। एंड 26 डेज वर्किंग इन अ मंथ है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंटेड इसमें ये है कि रूम फ्री प्रोवाइडेड है, क्योंकि ये प्लस पॉइंटेड होता है अनदर स्टेट से आने के लिए काम करने के लिए, तो रूम फ्री प्रोवाइडेड है। एज लिमिट की बात करूं, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 ईयर है। जो एज का बेसिक क्राइटेरिया है वो आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। अगर आपका एज का बेसिक क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आप एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे इस कंपनी में काम करने के लिए। देखिए क्वालिफिकेशन में एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लीकेबल फॉर दिस पोजीशन राइट नाउ, 8 पास 10th पास 12th पास एनी पास, बट कैंडिडेट ओनली लेबोरियस पर्सन नीडेड इन दिस कंपनी। मेहनती होने चाहिए, थोड़ा चालाक बुद्धि होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मंद बुद्धि है तो आप आ गए और काम आपसे हो नहीं पा रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और यहां पे देखिए लोकेशन है चिनार पार्क कोलकाता लोकेशंस में, जॉब्स है सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है। हम वैसे जॉब्स को ज़्यादातर रिकमेंडेशंस करते हैं जिसमें सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, वैसे जॉब्स का हम रिकमेंडेशन करते हैं। अन्यथा हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम कहीं से भी उठा के पोस्ट डालें, कहीं से भी उठा के जॉब्स के वैकेंसी अपडेट करें, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगेन कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया सैलरी के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा सैलरी का स्ट्रक्चर जो होने वाला है। सैलरी जो होने वाला है 13,000 रुपीज ग्रोस है, जो कि कर छट के आपका इन हैंड सैलरी आएगा 9,000 रुपए मंथली बेसिस से। और इसमें ये लिखा गया आफ्टर देन 3 मंथ्स योर सैलरी विल इंक्रीज 1,000 रुपीज, मतलब कि 10,000 रुपए हो जाएगा 3 महीनों के बाद, बिकॉज 3 महीनों तक आपको 9,000 के सैलरी में जॉब्स करना है। अगर आप एक्साइटमेंट है इस जॉब्स के लिए, देन की वीडियो के स्क्रीन पे हम कॉन्टेक्ट नंबर शो कर देते हैं, आपके साथ में शेयरिंग कर देते हैं। अगेन अगर आप लोग एक्साइटमेंट है जस्ट की डायरेक्ट कॉल करेंगे और जॉब्स के जो भी रिक्वायरमेंट का आप जॉब का जरूरी जानकारी है वो ले सकते हैं। इवन मिलते हैं कोई नई इन्फॉर्मेशन और कोई नई वैकेंसीज का अपडेट ले करके आपके साथ में। तब तक के लिए बाय।